वगैरह निकली है और इतनी गंदी वाली स्मेल यहाँ पे आती रहती है। बरसात के टाइम में दोस्तों पूरा यहाँ का माहौल एकदम गंदा सा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी हूँ दोस्तों मैं कुरजा वेस्ट में और आज यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ आपको यहाँ की ज़िंदगी दिखाने वाला हूँ। बाकी अभी मैं कुरजा वेस्ट में इस तरह से चलते हुए जा रहा हूँ, यहाँ की आप देखेंगे कुछ इस तरह की मार्केट वगैरह है। और फिलहाल दोस्तों यहीं पास में ही एक जगह है कुरजा गार्डन करके, वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा गार्डन का माहौल देखेंगे। क्योंकि ये मैंने कुरजा में एक चीज़ जो नोटिस किया है ना भाई साहब, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा कुछ अवेलेबल है ही नहीं, सच में नहीं है यार। मैं देखता हूँ कसाईवाड़ा की तरफ में बच्चे जो वही रोड पे भाई साहब काफ़ी खुराफात वगैरह करते रहते हैं। अगर नियर अबाउट में है भी तो कई सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी दूर दूर हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ यार। इतना मैं घूमा नहीं उस एरिए में, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा पार्क वगैरह सर्च करता रहता हूँ तो कुछ है नहीं ज़्यादा, एक दो है भी तो काफ़ी दूर दूर है, तो वहाँ तक बच्चे जा नहीं सकते, जैसा कि दोस्तों आपको पता है शहर में। बाकी दोस्तों अभी मैं इसी तरह से चलते हुए आपको आज यहाँ का माहौल दिखाने वाला हूँ पूरा नेक्स्ट लेवल का। क्योंकि दोस्तों अभी बारिश का टाइम है, मुंबई में बारिश के टाइम पर ना माहौल एकदम डेंजरस वाला हो जाता है, स्पेशली दोस्तों गटर वगैरह के किनारे। तो ये वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट ही है दोस्तों, हम चलेंगे मीठी नदी, मीठी नदी उसका नाम है। और लेकिन वो फिलहाल दोस्तों पूरा गटर में तब्दील हो चुका है, मैं वहाँ का आपको माहौल दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस तरह से एक फुट ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ। अगर इधर आप सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों, ये है आपकी कुरजा कसाईवाड़ी की पहाड़ियाँ और उसी के जस्ट दोस्तों ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसका नाम है स्वदेशी मिल। कभी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम किया करते थे। और जस्ट दोस्तों इधर देखेंगे ये पूरा है आपका कुरजा वेस्ट और ये इतनी सारी पटरियाँ यहाँ पर बिछी हुई हैं, हर्बल लाइन एंड शायद वेस्टर्न लाइन है क्या, नहीं सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन की दोस्तों उधर की पटरियाँ हैं, हर्बल लाइन की इधर की पटरियाँ हैं। और अगर इधर की साइड देखेंगे तो ये जो सीधी लाइन जाती है ये आपका दोस्तों निकल जाती है आपका सेंट्रल लाइन, और इधर से जो आगे की तरफ से कटती है ये चली जाती है दोस्तों वेस्टर्न की तरफ। और इधर दोस्तों पूरा चारों तरफ आपको झोपड़ा मिलेगा और यहीं पे आगे की तरफ है दोस्तों चूना भट्टी। चूना भट्टी में देखेंगे यहाँ पे घरें काफ़ी शानदार दोस्तों बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा तो ज़रूर रहे, लेकिन अभी अपने को चलना है वेस्ट की तरफ, काइंड ऑफ बीकेसी की बगल में। बीकेसी की बगल में दोस्तों नाले के किनारे एक तरफ बीकेसी है जो आप देखेंगे वहाँ पे इस तरह से बड़ी बड़ी आपको शीशे की बिल्डिंगें दिखाई देंगी। और यहीं पे मुकेश अंबानी जी का भी दोस्तों जियो वर्ल्ड जो सेंटर है वहीं पे दोस्तों वो भी है। और इसके जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे झोपड़े हैं और झोपड़े के आस पास दोस्तों गटर है और उस गटर के किनारे दोस्तों ना जाने कितनी जिंदगियां रहती हैं। अभी दोस्तों बरसात का टाइम है, जैसा कि पता है मुंबई में अगर बारिश स्टार्ट हो जाती है ना मेरे भाई, तो बारिश फिर रुकने का नाम नहीं लेती, कंटिन्यू बारिश, दो ढाई महीने तो भरपूर बारिश होती है। और उस नाले में दोस्तों पानी पूरा भर जाता है और जस्ट एकदम नाले के किनारे दोस्तों कम से कम हजारों लोग दोस्तों घर बना के अपना जीवन गुजर बसर करते। और अभी मुहर्रम का दिन है तो आज यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक दिखाई दे रही है। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ काफ़ी माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ मैं पटरी पर देख रहा हूँ, इस पटरी के लाइन से दो लड़की क्रॉस करते हुए आ रही है, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से दोस्तों वो पुलिस की ही बंदियाँ हैं, पता नहीं क्या कर रही है इस पटरी पे। यहाँ पे देखिए सामने की तरफ दोस्तों इस तरफ से यहाँ पे ट्रेन आ रही है और वहाँ पे वो इस तरफ से पटरी को क्रॉस कर रही हैं, अभी भागते हुए दोस्तों वहाँ पे जा रही हैं। तो पता नहीं कहाँ ये जा रही हैं, हो सकता है दोस्तों कहीं जा रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ। बाकी इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू ट्रेनें आती जाती दिखाई देंगी। अभी दोस्तों यहाँ जस्ट एक लोकल क्रॉस हुई है और इधर से दोस्तों एक एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है और सामने से भी दोस्तों आपको एक एक्सप्रेस गाड़ी आते हुए दिखेगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वो इस तरह से पटरियों के बीच से होते हुए जा रही है, उनको बिल्कुल भी डर और भय नहीं लग रहा है। आ रही है ट्रेन दोस्तों, हॉर्न मारते हुए जा रही है, ऊपर ही पटरियों से होते हुए जा रही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी दोस्तों कंटिन्यूसली दोस्तों आपको ट्रेन आते जाते हुए दिखाई दे जाएगी। ये देखिए जस्ट इतना बिजी लाइन पे भी दोस्तों यहाँ पे इतनी फाकम फाक की लाइन पे पटरियों के ऊपर भी होते हुए अपने घर जल्दी पहुँचने के चक्कर में इस तरह से जाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस होते रहते हैं। आप देखेंगे रोड के उस पार आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि दोस्तों आज मुहर्रम का दिन है और जगह जगह शरबत जूस और खाने का खिचड़ा वगैरह चल रहा है। इस वजह से आपको यहाँ पे चारों तरफ से इस तरह की आपको यहाँ पे पब्लिक वगैरह देखने को
मिलेगी। और फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसी झोपड़े के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी आपको काम करने वाली फैक्ट्रियाँ वगैरह भी दिखेंगी। और थोड़ा सा दोस्तों हमको भी कुछ भूख वूख लग रही है, कहीं पे जूस वगैरह शरबत वगैरह भी आज पी लेंगे, क्योंकि मुहर्रम के दिन में दोस्तों ये मुस्लिम एरिया में स्पेशली ये पूरा चीज़ एकदम आम होता है। और आज इस तरह से रोडों पे आपको हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्राउड ही क्राउड दिखेगी। मुस्लिम भाई लोग अपना आज के दिन पूरा जुलूस वगैरह निकालते हैं, वो सामने की तरफ देखिए बहुत सारे लोग हैं। और इसी जुलूस के में हम लोग दोस्तों आज यहाँ पे आए हैं आपको ये सारा माहौल वगैरह दिखाने के लिए। ये देखिए वहाँ पे गाड़ी के अंदर दोस्तों जूस वगैरह रखा हुआ है, फ्रूट वगैरह रखा हुआ है, वो अभी इन सारे बच्चों को इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज ये पूरे कुर्जा के अंदर माहौल रहेगा। और पिछले साल जब मैं दोस्तों यहाँ पे आया था पूरा ये कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे रोड वगैरह बना दिया गया है, तो यहाँ की थोड़ी सी कंडीशन अभी सुधरी हुई है। बाकी ये देखिए सामने की तरफ दोस्तों पूरा डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे पूरे मुंबई के आसपास का कचरा वगैरह फेंका जाता है। क्या सर भाई मेरे साथ ना कुर्जा का क्या हाँ वही तो पूरे मुंबई में थोड़ा ज्यादा बता दिया, क्योंकि पूरे मुंबई का कचरा ये आएगा तो कुर्जा पूरा भर जाएगा। सही बात है। तो बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरह से ना कुर्जा के इस एरिया में जिधर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे आपको कारखाने वगैरह देखने को मिलेंगे। गटर के किनारे आ गया हूँ, इस नदी का नाम है दोस्तों मीठी नदी, लेकिन फिलहाल ये पूरी नदी नाले में तब्दील है। और यहाँ चारों तरफ से देखेंगे इस तरह से कचरे हैं और इसी के आस पास दोस्तों इस तरह से यहाँ पे बस्तियाँ हैं। और सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से नाले के किनारे किनारे से पूरे घर बने हुए हैं, यहाँ पे हजारों लोग दोस्तों अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। और सच बता रहा हूँ अभी इतनी गंदी इसमें जा रही है पूछो मत, और लोग यहाँ पे दोस्तों वाशरूम भी यूज करते हैं और इसी नाले में बहा भी देते हैं, तो वाकई यार ये पूरा एकदम डेंजर वाला महक आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से लोगों के घर वगैरह एकदम दोस्तों जस्ट गटर के बगल में बने हुए हैं। वाकई यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियाँ रहती होंगी दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल भरी रहती होगी। और फिलहाल दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूँ और कुछ लोगों से अगर मेरी बातचीत हो सकती है दोस्तों मैं बातचीत करके उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से देखेंगे दोस्तों बहुत ही पतली पतली गलियाँ रहती हैं, एक आदमी भी दोस्तों यहाँ पे रास्ता ना क्रॉस कर पाए। ये देखिए इधर से मुझे लग रहा है ये रास्ता अभी फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। आगे की तरफ भी दोस्तों पूरा झोपड़े ही झोपड़े हैं, वहाँ आगे की तरफ तक देखिए इस तरह से आपको लाखों झोपड़े दिखाई देंगे। और रास्ते मेरे हिसाब से दोस्तों इस साइड से हैं, हमें अभी इस तरह से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरह से पब्लिक वाशरूम वगैरह सब है। इधर से अगर आप आओगे तो मैं आ पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं अशफाक भाई, अगर मैं इधर से जाऊँगा तो ये देख सकते हैं सामने की तरफ अशफाक भाई खड़े हैं, तो ये रास्ता क्रॉस करना ना भाई बहुत क्रॉस करने में आदमी गटर में भी जा सकता है, मतलब अशफाक भाई पीछे जाएंगे तो मैं इस तरह से क्रॉस कर पाऊंगा। वन वे है ये वन वे है यार। तो भाई इस तरीके से बस पतला सा रास्ता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पूरा ये प्लास्टिक का कचरे का कारोबार वगैरह होता है यहाँ पे। इस तरह से प्लास्टिक लोग चुन के जाते हैं यहाँ पे बेचते हैं, फिर इसमें से सॉर्टिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से यहाँ पे आज रमजान मुहर्रम का दिन है तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी बंद है। और बाकी यहाँ पे एक भाई आ रहे हैं, क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? तौफीक भाई फ्री हो थोड़ा दो मिनट बात कर सकते हो? आप बिजी हैं? तो तौफीक भाई दोस्तों काफ़ी बिजी थे, वो किसी से बात कर रहे थे, वो निकल गए अभी आगे की तरफ। भाई दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पब्लिक टॉयलेट है, कितना गंदा है दोस्तों। यहाँ पे लोग आते हैं यहीं बीड़ी सिगरेट पी के फेंकते हैं और ये देखिए पूरा कचरे से भरा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट वगैरह है और इस तरह से इधर आगे की तरफ आपकी गलियाँ वगैरह निकली और इतनी गंदी वाली स्मेल यहाँ पे आती रहती है। बरसात के टाइम में दोस्तों पूरा यहाँ का माहौल एकदम गंदा सा हो जाता है। दादी आगे जाने का रास्ता है क्या? ये अभी जल्दी बना है क्या ये दीवार? काफी पुराना बना हुआ है ना। अच्छा इधर बारिश के टाइम में पानी वानी भरता है क्या दादी पूरा? नहीं इधर से तो नहीं भरता, उधर से जहाँ कटा है। हाँ हाँ तो वहाँ से जाए। घर में पानी आता है क्या? घर में नहीं आ पाता पानी ना। 15 साल हो गया मगर 15 साल से घर में नहीं गया, उससे पहले जाता था। हाँ ये पिलर नहीं बना था। अच्छा ये पिलर जल्दी बना है, पर आगे की तरफ तो नहीं बना, मैं देख रहा हूँ। हाँ, नहीं बना, उधर से जाता है। उधर से जाता है ना। ये आप लोगों का खुद का घर है? कितना भाड़ा है यहाँ का? 4000 है। अच्छा, अगर हमको चाहिए भाड़े मिल जाएगा क्या इधर?
जैसे रूम चाहिए तो भाड़े पे कितने तक का मिल जाएगा? 4000 तक का। और डिपॉजिट कितना चल रहा है यहाँ पे? बहुत चल रहा है, 20000। 20000 अच्छा, यही यही घर रहता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको घर रहेंगे, और इस गटर के आसपास भी जो रूम रेंट है वो करीबन 2000-4000 है। और भी आ चुका हूं, और यहां पे देखेंगे अभी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। और यहां पे दोस्तों इस तरह से पूरा बच्चे लोग यहां पे इसी स्मेल के अंदर दोस्तों अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। वाकई यहां का जो माहौल है काफ़ी दोस्तों डेंजर है, लेकिन फिलहाल यहां पे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? आफरान। आप पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो? थर्ड में। तो बड़े हो गए क्या बनना है? डॉक्टर। किसको सुई लगाओगे? किसको सुई लगाओगी ये बताओ। किसको? मुझको लगाओगे सुई क्या? बच्चा बोल रहा है बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। तभी किस क्लास में हो? मैथ, इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है? नहीं, उर्दू। उर्दू मीडियम से हो तो फिर कैसे डॉक्टर बनोगे? उर्दू मीडियम से? उर्दू मीडियम से डॉक्टर बन जाएंगे क्या? इंग्लिश ज्यादातर पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश ज्यादा पढ़ाते हैं। और ये इंजीनियर बनेगा ना? किसका किसका कीमा बनाना है इंजीनियर बनने के बाद? बकरे का कीमा बनाओगे? इंजीनियर बनने के बाद तोड़ फोड़ करना होता है ना, तो किसका तोड़ फोड़ करोगे? तुम क्या बनोगे? लगता है कि तुम्हारा घर तोड़ेगा ये। मेरा घर तोड़ेगा? नहीं, मेरा घर नहीं तोड़ेगा भाई। तो ये डॉक्टर बन के बोल रहा तुम्हें सुई जगाएगा? इंजीनियर उसका दिमागी गायब कर देगा। तुम्हारा दिमागी गायब कर देगा, सुई तुम जगाते रह जाओगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अच्छा, उसके सर में सुई जगा के बेहोश कर दोगे? हाँ, इस तरह से। अच्छा, ये शौचालय है पूरा ना? तो इस तरह से जेंट्स, हाँ। अच्छा, इस साइड लेडीज, उस साइड जेंट्स का। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे वाशरूम वगैरह बना हुआ है, और पूरा यहाँ पे ये लेडीज़ का है। और ये मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ प्राइवेट बना हुआ है। और यहाँ के बच्चे से अगर पूछो तो इन लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनना रहता है। और इधर से देखेंगे दोस्तों पूरा किनारे किनारे से चारों तरफ से आपको पूरा झोपड़ा वगैरह बना हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बारिश और तेज़ होती है तो दोस्तों पानी इनके घर तक जाता है, ऐसा कुछ अभी दादी लोगों का कहना था। बाकी दोस्तों अभी किसी के घर में जाने का मौका मिलता है तो घर में जाके हम थोड़ा सा अच्छे से माहौल वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम इसी तरह से आगे से होते हुए हम निकलते हैं थोड़ा सा रोड की तरफ। बाकी वाकई दोस्तों यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी डेंजर है। अच्छा, और बाकी यहाँ पे जो ये गटर वगैरह इतना है, आप लोगों के घर पे स्मेल वगैरह जाती है क्या? पीछे तक तो बीमार उमार कोई नहीं होता? अभी इधर पता नहीं, मैं इधर रहता। अच्छा अच्छा, कहाँ इंजीनियर कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर साहब कैसे हो, मुझे पहचान रहे हो? वाह, अभी मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिल रहा हूँ। और बताओ कैसे हो सर, तबीयत पानी मस्त? अभी आज यार आप तैयार हो के आए हो एकदम। तो अभी किस क्लास में पहुँचे? पाँचवीं में पहुँचे। तो अंग्रेजी में बात उत करना आ गया? तो डॉक्टर बनोगे तो अंग्रेजी में बतियाना पड़ेगा ना भाई, पेशेंट बड़े बड़े पेशेंट आएंगे। हाँ, लेकिन मेरा उर्दू मीडियम है, उर्दू थोड़ा थोड़ा। उर्दू थोड़ा थोड़ा है, बाकी इंग्लिश है? इंग्लिश पूरी है। इंग्लिश पूरी है? हाँ। तो डॉक्टर बन के इनको सुई लगाओगे ये आपको लगाएंगे? दोनों डॉक्टर ही हो? हाँ। अरे ये तो पहले से डॉक्टर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहले से डॉक्टर है? हाँ, मतलब पहले सुई ये लगाएगा, अब बाकी वो इंजीनियर है खोपड़ी तोड़ेगा सबका। और देखो एक छोटू बच्चा हो भी, तुम क्या बनोगे? अरे भाई सबको डंडा मारेगा, सबको डंडा मारना, एक तरफ सब मारे जाएंगे यार। भाई साहब ये अपना पुलिस बनेगा। तो किसको किसको पीटोगे तब? किसको किसको मारोगे पुलिस बनने के बाद? क्यों 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 सबको मारोगे? डॉक्टर इंजीनियर सबको मारो, क्यों मारोगे? पर क्यों मारोगे, क्यों मारोगे सबको? चोरी करते हैं क्या? अच्छा, मतलब डॉक्टर लोग सब चोर है भाई बोल रहा। तो पुलिस भाई कह रहे डॉक्टर लोग सब चोर है, सबको एक तरफ से मारेंगे। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह से गटर के किनारे किनारे यहाँ पे सबको घर वगैरह घूमने हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसा कोई आगे से गहरा सा आगे? तो अभी हम इसी तरह से किनारे किनारे से उठते हुए जा रहे हैं। बाकी इस गटर के किनारे इतनी गंदी स्मेल आ रही मेरे भाई की, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये
फिलहाल दोस्तों मुंबई की झोपड़पट्टियों में मैंने ये जो एक स्पेशली खास बात देखी है, यहाँ पे सारे कम्युनिटी बड़े ही अच्छे तरीके से रहते हैं। अभी मैं उधर घूम रहा था, वहाँ पे ज़्यादातर जो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी थी, अभी मैं इधर हूँ तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की कम्युनिटियाँ इस साइड में रहती हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो बड़े प्यार एंड सौहार्द के साथ रहते हैं, बस थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल मुद्दा ना हो तो बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने प्यार और स्वभाव के साथ रहते हैं। बाकी बारिश के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से रोडों पे कीचड़ तो होना भाई लाजमी बात है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं कुछ इसी तरह से होते हुए अभी आगे की तरफ रोडों की तरफ निकल रहा हूँ। बाकी मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि नाले के किनारे किस तरह से लोग अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, बच्चों के अंदर एक अलग ही जुनून रहता है। लेकिन क्या हाल है, बढ़िया, क्या नाम है, किस एरिया में हैं हम अभी? हम किस एरिया में हैं अभी? मैं कुरला गार्डन। अच्छा, कुरला गार्डन में। इधर जो है जो गटर के बगल में यार इतनी बुरी गंदी स्मेल आ रही थी, दिक्कत नहीं होती क्या लोगों को? नहीं, बहुत दिक्कत होती है। तबीयत खराब होता है लोगों का? बहुत लोगों का होता है ना। इधर बाथरूम में तोड़ते नहीं। अच्छा, बाथरूम क्या करते हैं? हफ्ते बाद में पूरा हक्के पूरा मुंह भी सब आता है, साफ नहीं करता कोई, ऐसे ही छोड़ के जाते हैं हक्के, यहाँ के चले जाते हैं। यार बहुत दिक्कत की बात है ना। और कौन करते हैं ये जो यहाँ के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले और कौन? सही बात। तो इस तरह से अभी छोटू मुझे कुछ बता रहा था, यार वाकई यहाँ पे जो माहौल था वाकई काफ़ी गंदा था। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कबूतर वगैरह हैं। ये कुरला गार्डन का ये एरिया है जहाँ पे मैं फिलहाल दोस्तों अभी घूम रहा था, आपको माहौल वगैरह दिखा रहा था। और अशफाक भाई यहाँ पे आराम कर रहा था भाई, क्या आप देखने के बाद आपको कैसी फीलिंग आई वहाँ की? फीलिंग तो ऐसी आई ना साहब भाई, पूरा सर दुखने लगा था उधर को, तो बहुत स्मेल बहुत आ रही। वाकई यार बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया। बाकी इसके पहले भी हम लोग आए तो ऐसा नहीं था, जिस बार अभी कुछ ज़्यादा ही मतलब। हाँ, मुझे लग रहा था कि बारिश की वजह से, क्योंकि जो भी देख रहे थे कितना वहाँ पे कचरा वगैरह इकट्ठा था, वो सड़ वगैरह के महक रहा था बहुत बुरा। और वहीं पे बच्चे वगैरह खेल रहे थे, जैसा कि मैंने बच्चों से भी पूछा था, वो सारे वहीं रहते हैं नहीं वहाँ का नहीं रहता बता रहा था कुछ ऐसे। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों कुछ मैंने आपको यहाँ का माहौल वगैरह दिखाने की कोशिश की एक छोटी सी वीडियो में। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।